Hi guys, welcome to Filmy Town. This is Rajan. I'm a movie critic. मैंने मूवी देखी म्यूजिक स्कूल. ये मूवी के मुख्य किरदार हैं शर्मन जोशी, श्रिया सरन, सुहासिनी मुले, बेंजामिन गिलानी, मोना अंबिकावकर, ग्रेसी गोस्वामी और बहुत सारे और विनय वर्मा और प्रकाश राज, बहुत सारे एक्टर्स हैं ये मूवी में. और ये मूवी में दिखाया गया है कि किस तरह हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को पढ़ाई के अलावा कुछ और सीखने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता. इफ़ दे वॉन्ट टू गेट इन टू आर्ट्स, ड्रामा, कल्चर, गेम्स या फिर म्यूज़िक, बट उनके माँ बाप उनको इतना प्रेशराइज करते हैं. कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है. तो ये फिल्म में यही दिखाया गया है कि माँ बाप इतना प्रेशराइज करते हैं, टीचर्स इतना प्रेशराइज करते हैं और ये जितने भी बच्चे हैं कोचिंग क्लासेस में जाते हैं और इन्हें किस तरह संघर्ष करना पड़ता है इफ़ दे वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू. तो वही ये मूवी में दिखाया गया है. पापा राव और बेअप्पा ने ये मूवी डायरेक्ट की है और बहुत ही बढ़िया मूवी है. सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है और एडिटिंग भी मनन साहब की बिल्कुल क्रिस्प है. 2 hours 9 minutes और मिस्टर डिओहंस की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है और डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है. सभी किरदार बहुत ही वेल एज्ड हैं और बहुत अच्छे से सभी किरदार बनाए गए हैं और बहुत ही सब लोगों ने नेचुरल एक्टिंग की है. तो मुझे मूवी बहुत पसंद आई. I think it's a must watch, especially for the parents who force their kids for studies. So I'll rate this movie 3.5 out of 5 stars. So all in all, Music School is a must watch. It's directed by Papa Rao Biala, who is an IAS officer and now he is a filmmaker. बहुत ही अच्छी मूवी बनाई और ये बच्चों के लिए ही नहीं, माँ बाप को भी देखनी चाहिए इसकी. जैसे मैंने कहा सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है. सेकेंड हाफ में गोवा दिखाया है. तो किरण दियोहंस जिन्होंने इसकी सिनेमेटोग्राफी की है, बहुत अच्छी है. एडिटिंग भी क्रिस्प है बाय मनन सागर. और इल्लैया राजा, इन्होंने इस मूवी में म्यूज़िक कंपोज किया है, रेनाउंड म्यूज़िक डायरेक्टर. और करीबन 9 सॉन्ग्स उन्होंने कंपोज किए. उसके साथ साथ द साउंड ऑफ म्यूज़िक के भी 3 सॉन्ग्स ये मूवी में इंक्लूड किए गए हैं. सो इट्स अ मस्ट वॉच एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड द म्यूज़िक स्कूल टू द व्यूअर्स. थैंक यू.